वेलकम फ्रेंड वंस अगेन टू माय चैनल झड़बीसी बायोलॉजी ऑनलाइन। तो आज हम बात करेंगे अमेबियासिस के बारे में। अमेबियासिस जो डिसीज है इसे अमेबिक डिसेंट्री भी कहा जाता है। तो एक्चुअली ये जो डिसीज है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर साल इस डिसीज से नियर अबाउट 50,000 से 70,000 जो पीपल्स है उनकी डेथ हो जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और नियर अबाउट 40 मिलियंस के करीब केसेस पाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसके बाद इंडिया में पाए जाते हैं 1 मिलियन के करीब केसेस। तो इस वजह से ये जो डिसीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी डिसीज़ के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली ये डिसीज़ होता कैसे है, अगर हमें ये डिसीज़ होने नहीं देना है तो क्या करना है, अगर होता है तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, तो सारा कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अमेबियासिस, ये जो डिसीज है इसका और एक नाम है, इसे अमेबिक डिसेंट्री भी कहा जाता है। अब अमेबियासिस और अमेबिक डिसेंट्री ये जो डिसीज है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉजिटिव एजेंट की। तो ये डिसीज होता है एक पैथोजन की वजह से, और उस पैथोजन का नाम है एंटामीबा हिस्टोल्डिगा। ये जो पैथोजन है इसके वजह से हो सकता है हमें अमेबियासिस नाम का डिसीज। अब उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है तो वो देख लेते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए हमें इन्फेक्शन हो सकता है इस डिसीज का। तो सबसे पहले बात आती है, अगर हम कंटेमिनेटेड फूड और वाटर इनटेक करते हैं तो हमें ये डिसीज हो सकता है। मतलब अगर कहीं पे हम बाहर जाते हैं वहां पे कुछ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर हम कंज्यूम करते हैं, तो उसके बाद अगर उस वाटर में और फूड में ये पैथोजन पहले से प्रेजेंट है तो आपको ये डिसीज हो सकता है। ओके, तो ये है सबसे पहला सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद सेकंड जो चांस है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का वो है डर्टी हैंड्स एंड यूटेंसिल्स। अगर हमारे घर में कोई एक पर्टिकुलर पेशेंट है और एक पर्सन है जिनको ये डिसीज हुआ है, तो एक्चुअली उनका अगर कॉन्टैक्ट हमारे बॉडी के साथ आता है, मतलब उनके जो हैंड्स होते हैं अगर उन्होंने किसी यूटेंसिल को हाथ लगाया तो यूटेंसिल जो होते हैं वो डर्टी यूटेंसिल्स कहा जाता है उनको, और अगर जो बाथरूम्स और जो टॉयलेट सीट्स होती है उन पे अगर ये पैथोजन प्रेजेंट है तो उसी के कारण भी हमें ये डिसीज हो सकता है। मतलब डर्टी हैंड्स एंड यूटेंसिल्स उनके वजह से ये डिसीज हमें हो सकता है। तो ये है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नंबर टू। उसके बाद बात आती है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नंबर थ्री की। अगर हम रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं और जो वेजिटेबल्स ग्रो किए होते हैं एंडेमिक एरियाज में, मतलब जो विलेज का एरिया होता है, तो विलेजेस में जहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं तो आसपास की जो जगह होती है वहाँ पे लैट्रिन फैसिलिटी के लिए जाते हैं और लैट्रिन के लिए जाते हैं। तो तब क्या होता है, अगर फिकल मैटर उस जगह पे पहले से गिरा हुआ है तो अगर उस सॉइल में हमने वेजिटेबल्स ग्रो किए तो उस वेजिटेबल को खाने की वजह से उस वेजिटेबल में अगर पहले से पैथोजन प्रेजेंट है तो हमें ये डिसीज हो सकता है। मतलब रॉ वेजिटेबल ये भी एक सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन का। तो मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो हमें ये पता चलता है कि पुअर हाइजीनिक कंडीशन की वजह से, अगर हम हाइजीनिक कंडीशन अच्छी तरीके से नहीं रख पाते हैं तो ये डिसीज हमें हो सकता है, जिसका नाम है अमेबियासिस। अब अमेबियासिस डिसीज जो है तो इसमें एक पर्टिकुलर पैथोजन है जो हमारे बॉडी के भीतर एंटर करता है, जैसे हमने पहले बताया, जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोल्डिगा। लेकिन ये पैथोजन कब अटैक करेगा हमारे बॉडी पे, तो इसके दो फॉर्म होते हैं। कभी कभी ये पैथोजन जो है तो वो सिस्टेड फॉर्म में पाया जाता है, उसका सिस्ट प्रेजेंट होता है। अगर सिस्ट हमारे बॉडी के भीतर गया तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। अगर नॉन सिस्ट, मतलब अगर सिस्ट प्रेजेंट नहीं है, नॉन सिस्टेड फॉर्म में पैथोजन प्रेजेंट है, अगर वो बॉडी के भीतर जाता है तो उससे इन्फेक्शन नहीं होता है हमें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो जैसे ही बॉडी के बाहर चला जाता है किसी भी पेशेंट के, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब नॉन सिस्टेड एंटामीबा जो होता है उसके कारण इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, और सिस्टेड अमीबिया के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। ये जो डिसीज है इसमें बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। सबसे पहले है माइल्ड डायरिया, हमें डायरिया हो सकता है इस डिसीज में। तो एक्चुअली ये जो डिसीज है इसमें डायरिया होता है, उसके बाद में डिसेंट्री भी हो सकती है, और डिसेंट्री में ब्लड और म्यूकस भी आ सकता है। ओके, उसी वजह से पर्सन जो है तो उसका वेट लॉस हो सकता है और वीकनेस भी आ सकता है पर्सन में। उसके बाद जो है
तो फटीग हो सकता है, उसके बाद हमारे बॉडी के भीतर एब्डोमिनल पेन भी हमें हो सकता है, मतलब एब्डोमिन में पेन आना, पेट में दर्द होना, उसके बाद जो है तो लैटरिंग में मतलब जो फिकल मैटर हम रिमूव करते हैं इजेशन प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आ सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है, और कभी कभी क्या होता है अगर ये पैथोजन ब्लड में इंटर करता है तो ब्लड स्ट्रीम में इंटर करने के बाद ये WBCs और जो ब्लड सेल्स होती है उन पे अटैक कर सकता है, तो तब हमें कुछ अदर सिम्टम्स भी दिख सकते हैं। और लास्ट में अगर ये अदर बॉडी पार्ट्स को ब्लड में जाने के बाद अगर वो किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे जाता है तो तब हमें अदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर लीवर को इन्फेक्शन होता है तो तब हमें हो सकता है अमेबिक लीवर एब्सेसिस। तो ये जो कंडीशंस है और ये जो सिम्टम्स है वो डिपेंड करेंगे कि पैथोजन का इन्फेक्शन कौन से पार्ट को हुआ है एक्चुअल में। तो ऐसा कहा जाता है कोलोन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, उसके बाद में लंग्स, उसके बाद में लीवर, उसके बाद में ब्लड, तो ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के जिनको इन्फेक्शन हो सकता है इस डिसीज में। कभी कभी ब्रेन को भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, अगर हमें ये डिसीज हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे पता करना है, तो इसके लिए दो मेथड्स है। सबसे पहली मेथड जो है वो है स्टूल एग्जामिनेशन, जो पर्सन होता है उसका जो फिकल मैटर होता है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है और उसे एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि स्टूल में अगर पैथोजन है तो पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है, ओके। और दूसरी जो मेथड है वो है ब्लड एग्जामिन करना, पेशेंट का अगर हम ब्लड एग्जामिन करते हैं उसमें अगर हमें ट्रोपोसाइट और जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है पैथोजन की वो अगर हमें दिखती है और पैथोजन हमें दिखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है, ओके। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, अगर टिश्यू को इन्फेक्शन होता है तो उसमें हम कुछ ड्रग्स यूज कर सकते हैं और कुछ मेडिसन्स ले सकते हैं, और अगर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर टाइप ऑफ अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें हम अदर टाइप ऑफ ड्रग्स ले सकते हैं और मेडिसिंस ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट आपको बता देता हूँ, पहले ये एक सपोज चार्ट है, तो ये जो चार्ट है ये हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट टाइप में, और ये जो चार्ट है ये यूज कर सकते हैं हम सेकंड टाइप में। तो मतलब ये जो मेडिसिंस है आपको डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग ही लेने हैं, ओके। अब ये जो डिसीज है ये इतनी ज्यादा स्प्रेड क्यों होता है, हम अपनी हाइजीनिक कंडीशन अगर अच्छी तरीके से नहीं रखते हैं तो ये डिसीज ज्यादातर केसेस में स्प्रेड होता है, और हाँ ये डिसीज इन्फेक्शियस है, मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन को हो सकता है। अब ये डिसीज न होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे हाथ में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम ये जो डिसीज है इसका इन्फेक्शन रोक सकते हैं। सबसे पहले हमें हमारी हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी है, जैसे ही हम बाथरूम या टॉयलेट्स को जाते हैं तो प्रॉपरली हैंड वॉश करने हैं हमें एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए विथ सोप्स और एनी अदर इक्विपमेंट्स। उसके बाद जो है तो हमें जो बाथरूम्स और टॉयलेट सीट्स होती है उनको क्लीन करना है डेली रूटीन में। उसके बाद जो फिकल मैटर होता है पेशेंट का और जो अदर टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है उसे हमें सेफली डिस्पोज करना है। उसके बाद पर्सन के जो क्लोथ्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना है, मतलब उनको हाथ नहीं लगाना है, और अगर हम हाथ लगाते हैं तो हैंड्स को हमें प्रॉपरली सैनिटाइज करना है, ओके। उसके बाद जो है तो हम बॉइल्ड वाटर इंटेक कर सकते हैं, हमने बोला कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से ये डिसीज होता है तो हम ऐसे वाटर कंज्यूम कर सकते हैं जो कंटेमिनेटेड ना हो, ओके। मतलब बॉइल करके हम वाटर इंटेक कर सकते हैं। अगर फूड की बात करें हम तो फूड अच्छी तरीके से कुक करना चाहिए जिसके थ्रू उसमें जो पैथोजन होंगे वो डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं तो उनको अवॉइड करना है हमें, मतलब अवॉइड इंटेक ऑफ रॉ वेजिटेबल्स ग्रोन इन एंडेमिक एरियाज, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, इन सारी चीजों से हमें ये पता चलता है कि पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन अगर हम साफ सुथरी रखते हैं और अच्छी रखते हैं खुद की तो ये डिसीज हमें नहीं हो सकता है, ओके। और जितनी जल्दी हमें सिम्टम दिखाई दे उतनी जल्दी हमें ट्रीटमेंट लेनी है, क्योंकि ये क्यूरेबल डिसीज है, एक्चुअली ये क्योर होता है, ओके, अगर हम इनिशियल स्टेज में अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो, ओके। तो ये जो डिसीज है ये इन्फेक्शियस है, एक दूसरे को हो सकता है, और एक बात और, इस डिसीज पे वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल नहीं है, तो वैक्सीनेशन नहीं है उसके बाद इन्फेक्शियस है, तो इसी के कारण ये जो डिसीज है ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये डिसीज ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। तो आई होप आज का जो वीडियो था आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि ये डिसीज एक्चुअल में है क्या। मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका जो पैथोजन है उसकी, वो कुछ इस तरह से शो होता है। और ये जो पैथोजन है ये फिकल मैटर में, उसके बाद रॉ वेजिटेबल्स में और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर में हो सकता है। ओके, तो आई होप ये जो वीडियो है आपको यूजफुल लगा हो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, और हाँ, ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।